साथियों, देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है तो जरा बौखला रहे हैं। बिचौलियों को बढ़ावा देने वालों ने देश के किसानों की स्थिति क्या कर दी थी, ये हिमाचल के लोग भी भली भांति जानते हैं। ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के टमाटर, मशरूम जैसी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन स्थिति क्या रही है, कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपये किलो ही के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब करीब 100-150 रुपये तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपये का जो हिसाब है न वो कभी किसान को मिला न कभी वो खरीदार को मिला, तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती है। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो, लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे, सोच तो उनकी भी थी हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी, हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है, हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है, हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हां, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान, उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 10.25 करोड़ से ऊपर, इसमें
उनको ले जाइए वहां से, बिठा दीजिए उनको, बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी जरा उनको काम पे लगाइए। इसमें हिमाचल के 9.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग 1000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। कल्पना कीजिए, अगर पहले की सरकारों के समय 1000 करोड़ रुपए का कोई पैकेज हिमाचल के लिए घोषित होता तो वो पैसा पता नहीं कहां कहां किस किस के जेब में पहुंच जाता, उस पर राजनीतिक श्रेय लेने की कितनी कोशिशें होती। लेकिन यहां छोटे किसानों के खाते में ये रुपये चले गए और कोई हो हल्ला नहीं हुआ।